क्योंकि सर्जरी बहुत बड़ी थी, 9-9.5 घंटे की सर्जरी थी, उसमें मैं कॉमा में भी जा सकता था, मैं फेंट भी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें, और चेस्ट मेरा रिमूव करना था क्योंकि मेरे पूरे चेस्ट में फैल चुका था। तो उन्होंने बता दिया था मुझे कि ये ट्रांसप्लांट होगा, तो मेरा बैक का मसल निकाल के चेस्ट पे लगाया, और उस टाइम मुझे कोई 1200 स्टेपलर्स लगे थे, टाँके नहीं स्टेपलर्स लगे थे। तो अब मेरा जो है वो एक चेस्ट तो है लेकिन उसके ऊपर स्किन नहीं है, सिर्फ ग्राफ्ट है, और पीछे बैक का एक बैक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कराची का चांडी एक ब्रांड न्यू बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू के साथ। इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं या फिर उनसे बात करवाऊं, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। ऐसी एक मिसाल है हमारे अरसलान भाई। अरसलान भाई फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस कोच हैं, और इन्होंने कैंसर को 3 दफा शिकस्त देने के बाद बॉडी बिल्डिंग में आए हैं, ट्रेनर बने हैं, एक मिसाल कायम की है। चलें वसीम भाई, आओ जी, आओ वसीम भाई, आ जाओ जी, तेज हो। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। लड़का जो इस वक्त वो हमारा ना टेबल टेनिस एंजॉय कर रहा है, कैंसर को 3 दफा शिकस्त देने के बाद ऐसी बॉडी बनाई है इन्होंने ना कि देखने वाले हैरान हो जाएं। अरसलान भाई, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी यार, देखने वाले इस बात पे यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर आपकी कहानी आपकी जबानी, सर कैसे कैसे दौर से गुजर गए? 2021 में जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। ठीक है सर। तो उस कंपटीशन में हम लोगों का वाटर ड्रॉप होता है। ठीक है सर। तो वाटर ड्रॉप हुआ तो मेरे जो है वो चेस्ट पे एक छोटी सी बॉल मुझे नज़र आई। वो बॉल मैंने जाके डॉक्टर्स को दिखाया कि यार ये बॉल दिखा दें, तो उन्होंने बोला ये सिस्ट है और बिनाइन है, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको ऑपरेट कर देते हैं, छोटा सा ऑपरेशन होगा और इसको हम निकाल देंगे। पेन नहीं हो रहा था उसके अंदर? उसमें पेन भी स्टार्ट हो गया अच्छा, था, इसीलिए मैंने चेक करा लिया। फिर वो जब ऑपरेट करा लिया, मैंने पहली सर्जरी करा ली, तो उसकी डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि बायोप्सी करा लें, बट मुझसे एक गलती ये हो गई कि डॉक्टर्स ने ये बोला था कि मैंने सर्जरी करके देखी तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई, मेरे इंसान हूँ ह्यूमन एरर, तो वो दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया, तो मैंने उसकी बायोप्सी उठाना मुनासिब नहीं समझी, मैंने बोला छोड़ दें इसको, फॉर ग्रांटेड ले लिया। वो 8-10 दिन का जो उनका टाइम होता है आपने उसी के दौरान ही? बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो है वो 3 महीने गुजरे होंगे, रिकवरी सेशन मेरा ख़त्म हुआ, स्टिचेस खुले, 3 महीने बाद जो है वो फिर मुझे उस सेम जगह पर सिस्ट वापस आ गई। तो मैंने जिस डॉक्टर से सर्जरी कराई थी मैं उनके पास वापस गया, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझसे बायोप्सी की रिपोर्ट मांग ली। अब वो मेरे पास नहीं थी, बहरहाल मैंने बायोप्सी आगा खान से कराई थी, तो वो मैंने वहाँ से रिपोर्ट अपने PR लगा के रिपोर्ट निकलवाई, तो उसमें पता चला कि मुझे 3rd stage का कैंसर है। थर्ड स्टेज का कैंसर है। तो फिर वो मैं उस डॉक्टर को रिपोर्ट वापस दिखाई, तो उसने बोला कि तुम्हारी ये वापस से एक और सर्जरी होगी क्योंकि ये फैल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम एक बिल्डर हो, तुम्हारा जो है वो एक खूबसूरती है, तुम्हारे चेस्ट को अगर हमने पूरा काट दिया, तुम्हारे निपल्स को काट दिया, तो तुम्हारे लिए तुम आगे बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरी दूसरी सर्जरी की 4th महीने में, पहली सर्जरी के 4 महीने बाद। ठीक है। अब वो चौथी सर्जरी फिर मेरी हुई, तो उसमें मेरा उन्होंने निपल बचा लिया। ठीक है सर। वो छोटा सा कट लगा के। ठीक है। उन्होंने निपल बचा के हाफ पोर्शन मेरा चेस्ट का रिमूव कर दिया। उसकी बायोप्सी कराई तो उसमें सब कुछ क्लियर आया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 महीने गुजरे 4 महीने गुजरे, क्योंकि वो सर्जरी थोड़ी बड़ी थी, 3-3.5 घंटे की सर्जरी थी। पहली जो सर्जरी थी वो 40 मिनट की थी। 4 महीने बाद उसको सब टेक केयर की उसकी, मुझे मशीन्स लगी थी साइड में, वैक्यूम्स लगे थे बहुत सारे। 4 महीने बाद फिर सेम उसी जगह पे जहां हमने निप्पल छोड़ा था, उस निप्पल पे भी एक सिस्ट फिर आ गई। अब जिस डॉक्टर से मैंने दोनों सर्जरी एक ही डॉक्टर से कराएंगी, दोनों का एक ही ऑन्कोलॉजिस्ट होता है बेसिकली, सर ये जो कैंसर ट्रीट करते हैं, और जिसने सर्जरी मेरी करी थी वो प्लास्टिक सर्जन था, उसने मुझे ना 3rd सर्जरी पे मना कर दिया कि मैं तुम्हारी अब 3rd सर्जरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा इतना पेन देख चुका हूँ कि अब जो है ना मैं तुम्हारा पेन नहीं देख सकता। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया दूसरा डॉक्टर, मैं उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि आप पहले ऑन्कोलॉजिस्ट को एक दिखा दें जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं। तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया, तो उन्होंने मुझे होप ही नहीं दी, स्ट्रेट अवे डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया कि आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये हर किसी को होती नहीं है और ये औरतों में होती है ज़्यादातर। अरसलान भाई, इस दौरान कितनी हिम्मत टूटी और कितनी बार हौसला आया? कुछ ये देखे ना, बहुत बड़ी बीमारी है और लोग घबराते हैं, इसका नाम सुन के लोग घबराना शुरू हो जाते हैं। सर
कैसे हिम्मत बांधी, कैसे हौसला आता रहा, मतलब हमारी आवाम भी कुछ सुने? बिल्कुल नहीं नहीं, असल में फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, स्पेशली मेरी वाइफ माशाल्लाह, मेरी मदर, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो उन लोगों की शक्ल देख देख के ना, कि वो मुझे इतना मोटिवेट करते थे, इतना मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं है, तुम कर जाओगे, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर ली, पहली सर्जरी भी गुजार ली, दूसरी भी गुजार ली, तुम तीसरी भी ऐसे। लेकिन वो अंदर से वो भी टूट रहे थे, बट वो मेरे सामने शो नहीं करते थे। बहरहाल फिर वो एक मोटिवेशनली लोगों से भी ऐसे मिलना शुरू हो गया उन दो सर्जरीज के बाद, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, और उनके साथ जो है ना वो अल्लाह की तरफ से था कि वो लोगों को मेरे पास, मेरे जिम में ही लेकर आ रहे हैं। मैं जिस जिम में काम करता हूँ वहीं मेरे पास वो सामने आ रहे हैं, और उनसे फिर मेरा वन टू वन बात हो रही है ना, तो एक मोटिवेशन खुद आ रही है कि यार इसकी एक टांग नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है, ये मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहा है। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मेरी स्टार्ट हुई। बहरहाल फिर थर्ड सर्जरी का उन डॉक्टर्स ने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दो सर्जरीज हो चुकी हैं, आपका पोर्स खुल चुके हैं, वो जगह खुल चुकी है, ग्राफ्टिंग के लिए भी मसला होगा। और मेरी फैमिली वगैरह मेरे साथ ही जाती थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने लास्ट जो हम डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने तो स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि आपके पास एक से डेढ़ महीना, दैट्स इट। लेकिन बस अल्लाह का करना था, बेशक अल्लाह ही है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर रिकमेंड जिन्होंने किया था कि इनके पास जाएँ, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि आप एक और डॉक्टर हैं उनके पास चले जाएँ, उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले एक सर्जरी करा लें। फिर मेरी थर्ड सर्जरी थी बड़ी, 9.5 घंटे की सर्जरी थी, तो उसके लिए मुझे पहले 9 घंटे की, 9.5 घंटे। अब उसके लिए मुझे उन्होंने पहले एक हफ्ते तक मेरी सर्जरी दिखाई कि होगी कैसे, ताकि जो है ना मैं कोलैप्स ना कर जाऊँ। तो क्योंकि सर्जरी बहुत बड़ी थी, 9.5 घंटे की सर्जरी थी, उसमें मैं कोमा में भी जा सकता था, मैं फेंट भी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ हो सकती थी। तो बहरहाल एक हफ़्ते उन्होंने मुझे पूरा प्रिपेयर किया, मेंटली प्रिपेयर करने के बाद एट लास्ट वो सर्जरी का डे आ गया। फिर वो सर्जरी 9.5 घंटे की हुई। उसके बाद वो सर क्या सिलसिला था, वो जो आपके बैक से इन्होंने बोली? हाँ एग्जैक्टली, मैं वो बताता हूँ आपको। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपका एलडी फ्लैप, उसको एलडी फ्लैप कहते हैं, वो ट्रांसप्लांट होता है, ओन ट्रांसप्लांट कहलाता है, कि आपका बैक का मसल, पैक्डोमल मसल होता है, ये निकाल के चेस्ट पे लगाया जाता है, और चेस्ट मेरा रिमूव करना था क्योंकि मेरे पूरे चेस्ट में फैल चुका था। तो उन्होंने बता दिया था मुझे कि ये ट्रांसप्लांट होगा, तो मेरा बैक का मसल निकाल के चेस्ट पे लगाया, और उस टाइम मुझे कोई 1200 स्टेपलर्स लगे थे, टाँके नहीं स्टेपलर्स लगे थे, और मेरी ग्राफ्टिंग हुई थी इस लेग से, ये पूरा हिस्सा लेके, और ये मेरी स्किन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाई है। तो अब मेरा जो है वो एक चेस्ट तो है लेकिन उसके ऊपर स्किन नहीं है, सिर्फ ग्राफ्ट है, और पीछे बैक का एक बैक नहीं है, मेरी विंग्स का एक ये वाला हिस्सा नहीं है, यहाँ है ये नहीं है। फिर डॉक्टर्स ने मुझे जो है वो बोला कि इसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये था कि मसल पीछे से निकल गया, तो ऑब्वियसली मैं सीधा नहीं लेट सकता था, ज़मीन पे भी नहीं, बिस्तर पे भी नहीं, क्योंकि मुझे फिट्स पड़ते थे। मैं कोमा जब एमआरआई की मशीन, सिटी स्कैन की मशीन्स में भी लेटाते थे तो मुझे एनेस्थीसिया देके लेटाया जाता था, क्योंकि मैं सीधा लेट ही नहीं सकता था, मुझे फिट्स पड़ते थे, तो मशीन ना मेरे सर पर लगती थी, क्योंकि एमआरआई की मशीन बहुत कॉम्पैक्ट होती है, तो वो सर लगता था मेरा उसके ऊपर। वो भी मैंने फेस गुजार लिया। फिर मुझे कुछ डॉक्टर्स ने बोला कि अब आपकी कीमो रेडिएशन होगी। अब बस वो अल्लाह का करना ऐसा था कि अल्लाह के नेक लोग मिल जाते हैं, फरिश्ते बन के कोई ना कोई मिल ही जाता है, जैसे आप लोग मेरे पास आ गए। तो उन्होंने मुझे, एक डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप कीमो रेडिएशन ना करें, क्योंकि आपकी 3 सर्जरीज हो चुकी हैं, तो अब 4th सर्जरी आपकी नहीं हो सकती, तो आप अपने लिए एक सेफ साइड, अल्लाह ना करे ये कैंसर रिकरेंस हो गया, वापस से आ गया रिपीटेशन में, तो एटलीस्ट हमारे पास एक ऑप्शन होगा एग्जैक्टली कि फिजियो हम उससे कीमो या रेडिएशन का कोई भी वो यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बस आप एक काम करें, अपनी थेरेपी करा के अपने हाथ, क्योंकि 6 मंथ से मेरा हाथ इसी तरीके से प्लास्टर्ड था। वो आपने जो फोटो भी मैंने आपने भेजी थी, मैंने देखी है, वो हाथ आपका यही है। तो वो 6 मंथ से इसी तरीके से था, और मैं बिस्तर पे लेटता नहीं था, 6 महीने मैं जो है वो कुर्सी पे बैठ के और ऐसे यहाँ पे एक फॉर्म टाइप का रख के ना ऐसे करके सोता था, बस 6 मंथ तक मैं ऐसे बैठ के सोया हूँ, मैं लेट नहीं सकता था। उसके बाद कहीं ना कहीं इंसान टूट तो रहा होता है, बहुत दफ़ा टूटा हूँ, और बस ये था कि टूटा हूँ तो अकेले टूटा हूँ, फैमिली के सामने नहीं टूटा, फैमिली के सामने बिल्कुल नहीं टूटा, टूटा बहुत दफ़ा टूटा। फिर जब सुबह उठा, एक नई शुरुआत हुई, और इस दौरान ना मुझे बहुत ऐसे लोग मिल रहे थे जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा इल होंगे, जिनके, मेरा तो सिर्फ एक चेस्ट नहीं है, कमर नहीं है, उनके हाथ नहीं थे, टांग नहीं थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे आगे। अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत बहुत एहसान है। अरसलान भाई, आपकी स्टोरी जब मैं सुन रहा हूँ
तो मुझे यकीन माने मुझे मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अरसलान भाई के अंदर एक ऐसा मतलब एक हिम्मत अल्लाह पाक ने इनको दी कि इसको तीन बार इससे जो है ना वो लड़ के और जीत गए। अरसलान भाई अब क्या पोजीशन है, अब क्या है वो जो आपकी आखिरी जो सर्जरी हुई थी 9.5 घंटे की जी, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आपने दोबारा जो है अब मेरे हर 3 महीने में MRI सिटी स्कैन वगैरह होते हैं। अब माशाल्लाह से वो 3 महीने से 6 महीने पे गया और अब 6 महीने से 1 साल पे चला गया। अब मेरा इस नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह एक आखिरी टेस्ट है, तो आप सबकी दुआएं से दरख्वास्त है कि आप भी देख रहे हैं कि सब दुआएं करें अरसलान भाई के लिए। बड़ी हिम्मत वाला हमारा ये भाई 35 साल 6 फिट 2 इंच का हमारा ये हीरो है, हमारा हीरो। यकीन माने मैंने इतनी जो है वो स्टोरी जो है इतना काम किया लेकिन यकीन माने इतनी हिम्मत वाला आदमी अभी तक मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। माशाल्लाह अरसलान भाई अब आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को, बैक टू लाइफ हैं, कैसा चल रहा है, कितनी देर देते हैं जिम को, लोग पूछेंगे कि क्या किया। मैं जिम में जो है वो शाम 5 से रात 12 बजे तक होता हूँ। ठीक है सर। और सर्टिफाइड डाइट न्यूट्रिशन हूँ मैं, माशाल्लाह, और सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ Level 2 का, एस से और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। स्टडीज़ भी मैंने जो है वो सारी बाहर की यूनिवर्सिटी से ही की हैं, और बस ये मेरा पैशन है बेसिकली। इससे मुझे जो है वो सुकून मिलता है क्योंकि ट्रेनर लोग यहाँ बोलते हैं कि ये ट्रेनर है, ये ट्रेनर नहीं है बेसिकली, ये आर्टिस्ट है। आप किसी की बॉडी को तराशते हैं तो उसको आर्टिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ट्रेनर का काम नहीं होता है ये। ट्रेनर लोगों ने जो नाम दे दिया है ना, ये मुझे नहीं बिल्कुल पसंद आता। हम आर्टिस्ट हैं, हम एक बुरे को सही करते हैं, बीमार को अच्छा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो बस ये मुझे बड़ा मज़ा आता है, एंटरटेनिंग जॉब है। अरसलान भाई अपने जिम का ज़रा एड्रेस बताएं, लोग आपसे मिलना भी चाहेंगे, लोग आपसे सीखना भी चाहेंगे। आपका जिम स्कीम 33 में किस जगह एग्जैक्टली है सर? बिल्कुल स्कीम 33 में गवालियार सोसाइटी है, मद्रास चौक के पास। गवालियार सोसाइटी के बिल्कुल फ्रंट गेट के बराबर में ही हमारा गेट है। बॉडी रेवोल्यूशन के नाम से जिम है हमारा। अरसलान भाई का इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे अपने फर्स्ट कॉमेंट में भी लगा दूंगा और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। इनसे जिसने भी बात करनी हो, जिसने भी मोटिवेशन लेनी हो, रابطہ करें इनसे। मगर एक अभी भी एक सवाल है अरसलान भाई, कितने लोगों को ये बीमारी हो चुकी है आपकी वाली? सर दुनिया में 11 लोग हैं जिनको ये बीमारी हुई है और सर्वाइवल रेशियो सिर्फ 2% है। बेसिकली इस बीमारी को कहते क्या सर? ये चेस्ट कैंसर है, ये पहले स्किन पे होता है, डर्मासारकोमास के नाम से स्किन पे होता है, स्किन के बाद जो है ये अंदर फैलना शुरू हो जाता है। मर्दों में भी अब ये मर्दों में भी बीमारी आने लग गई है। पहले क्योंकि ये औरतों की, ब्रेस्ट कैंसर एक औरतों की बीमारी है, क्योंकि फैट परसेंटेज जहाँ ज़्यादा होता है ये वहाँ अटैक करता है। औरतों में ब्रेस्ट में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन ये मर्दों में बस मैं यहाँ एशिया में पहला बंदा, अल्लाह ने मुझे चुना कि अपने गुनाह धुला लूँ। बेशक, तो बेशक, बस बेशक। अरसलान भाई टोटल कितने लोगों को ये बीमारी हुई थी और क्या सर्वाइवल रेशियो रहा इसका? 11 लोगों को पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड वाइड 11 लोगों को ये बीमारी हुई है और उसमें हम सिर्फ 2 लोग इसमें सर्वाइव कर चुके हैं। क्योंकि हम जिम के लाइन में ही थे तो एक पेन बर्दाश्त करने की हमें शुरू से आदत थी, क्योंकि इन बीमारियों में ना ऐसे पेन किलर्स नहीं दिए जाते, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, सही है, तो ये पेन आपको खुद बेयर करना पड़ता है। सर ये आप इससे गुजर चुके हैं तो आप ये लोगों को बता रहे हैं कि यार अब मैं इसके बारे में मज़ीद क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। इस हीरो को जिसने मिलना है एड्रेस भाई ने बता दिया है। अरसलान भाई एक बेहतरीन, हम्बल और मज़ेदार से बंदे हैं, आप इनसे आए, इनसे मिलें। ये हीरोज़ हैं हमारे मुल्क के, हमारे कराची के। इन ये ऐसे लोग हैं ना कि जिनको देख के दिल करता है कि यार हम भी आगे बढ़े हैं, मतलब हमें खुद हौसला मिलता है इनसे। कराची के चांडियों का ये यकीनन आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और अरसलान भाई के लिए खूब सारी दुआएं भी कीजिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।